गलबात करते हैं। धन्यवाद है गुरु पातशाह जी का, जिन्हों की कृपा के सदका अज उन्होंने सारे बजुर्गों के दर्शन हो रहे हैं, जिन्होंने लंबा समा इस गुरु घर के सेवा की है। अंकल निर्मल सिंह जी थियाड़ा, उन्होंने आंटी जी घरों, उन्होंने सारे के बाद पहली बार बड़े चिरों बाद दर्शन हुए इस बीमारी के बाद। फिर एक बार गुरु साहब का तह दिल धन्यवाद करते हैं, अरदास करते हैं कि सच्चे पातशाह सारे चढ़ती कला च रखी, इस तरह सारे के दर्शन दारे होते रहन। आओ हूँ भाई साहब प्रीत सिंह जी, जिन्होंने रणजीत नगारा एक मनाया हुआ है एसोसीएशन या वो जो गुरु घर पाकिस्तान के लाहौर के कितने भी या होर कंट्रियां जो बड़ी खस्ता हालत के उन्होंने हालत यही हो चुकी है कि उन्होंने डंगर पशु उतों के लोग बांधते हैं। तो कई बार तो देखोगे जो हम स्लाइडिंग शो नहीं चलाना आ कि माता साहिब कौर जी का जन्म स्थान है, वो आले दुआले घर से सारी गुरु घर की प्रॉपर्टी सी, पर उन्होंने लोगों ने प्रॉपर्टी मिली हुई सी। इन्होंने उतों की गौरमेंट के नाल राबता कायम करके उन्होंने सहारे के नाल सारी प्रॉपर्टी वापस ली है। चोहा साहब गुरु घर के लिए सुरजीत होने की सेवा चल रही है। आप सारे चीज़ा देखनिया हैं क्योंकि आप अरदास करते हैं कि अकाल पुरख वाहिगुरु जिन्हों गुरधामा तो खालसा पंथ को पछोड़िया गया है, तिना के खुले दर्शन के दारे ते सेवा संभाल का दान, ये जो दान आप मंगते हैं ना इन्हों वीर की झोली के गुरु साहब ने दान पाया आ। आओ हम उस वीर पासों आप स्लाइडिंग शो देखा तो वीर जी उस बारे सारा कुछ दसेंगे। भाई साहब भाई सतप्रीत सिंह जी, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। एक दो बेनतियां आ कि एक तो जिनी संगत तुम बैठे हो जो सारे थोड़े थोड़े अगे तो वजो, जिनी होर संगत आ रही है उन्होंने बहन वास्ते भी जगह बन सकती है। भैनों को भी बेनती है कि थोड़ा थोड़ा अगे नू आ जाओ। जो थले अपना लंगर हाल आना दवान हाल का रूप दिता हुआ, बछाई की हुई है, उसके टीवी लगे हुए हैं, लाइव तुम इसे तरह जिदा आप उपर बैठ के देख सकते हैं, इसे तरीके ही आप थले बैठ के भी देख सकते हैं। तो आप सारे यत्न करना जहाँ उपर थान ना मिले वो थले जाके साजन तो दवान सुन। जो साडा मंत्र है गुरु पातशाह ने बड़ी अपार कृपा की है कि 65 प्राणियों अपने लड़ लाया, जो आप दो वीकों का दवान सजाया भाई लखविंदर सिंह जी हुणी गुरु रामदास महाराज के दर तों आए, उन्हें इन्नी बख्शिश की संगत के उत्ते गुरु साहब जी ने कि 65 प्राणियों ने जो गुरु साहब तो पिछड़े हुए थे उन्होंने गुरु साहब ने अपने लड़ ला लिया। आओ अपने अपन भी अरदासा गुरु साहब के चरणों से बैठ के खोल करया करो, नाम दान मंगया करो झोली नाल लगे। आओ भाई साहब जी पासों उन्होंने विचार श्रवण करिए जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी में बैठी साध सकत जी फतेह प्रवान करनी, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सब तो पहला असं आप ही धनवादी हाँ धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के जिन्होंने इस COVID-19 के पेंडेमिक के विच भी सानू सारे नूं उद्दम बख्शिया कि असी खालसे दे साजना दिवस के इस मौके से इकट्ठे हो सकी। एडे भारी इकट्ठ नूं देख के मन बहुत खुशी हुई, ना ही आप सारी संगत नूं समुचे खालसा पंथ नूं नानक नाम लेवा संगत नूं खालसा दी साजना दिवस की लख लख वधाई होवे। असी आप जी का ज्यादा टाइम ना लेंदे हुए जिवें कि आप स्क्रीन के उत्ते देख सकते हो कि रणजीत नगारा एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गनाइजेशन है। रणजीत नगारा ऑर्गनाइजेशन बनाने की लोड़ क्यों पई, इसके की कारण सन? असी हमेशा ही देखते हैं कि जब तक असं कोई चीज अखा नाल नहीं देख लेंगे उसके अतबार नहीं करते, कन्नी सुनी हुई चीज का फर्क होंगे है, अखा नाल वेखना फर्क होंगे है। दास 2019 दिसंबर 8 दिन वास्ते पाकिस्तान जाने का मौका मिले, उत्थे वाह गुरधामा के दर्शन किए। आप संगत को एक होर बेनती है कि जो भी पाकिस्तान जाना है कोशिश करो कि पिलग्रिम वीजा जिहड़ा कि यात्री वीजा होंगे है उसी थान से टूरिस्ट वीजा लेके जाया करो। जो असी पिलग्रिम वीजा या यात्री वीजा लैके जाते हैं तो केवल के केवल उ गुरु धाम या गुरु घर लेंगे हाँ जिड़े ऑलरेडी बने हुए हैं जिन्हों की गिनती केवल 15 to 20 है। जेकर तुहाडे कोल टूरिस्ट वीजा होएगा तो तुम उत्थे उन्हां गुरधामां नूं भी वेख सकते हो जिहड़े खंडर बन रहे हैं। जिहड़े स्थान असी इस वक्त सर्च किए हैं या लभे हैं वह 476 हैं जिहड़े कि खंडर बन रहे हैं या खंडर बन चुके हैं। हुण उदों मैनूं बहुत दुख होया जदों असी गुरद्वारा चोहा साहिब गए। गुरद्वारा चोहा साहिब किहड़ा स्थान है? ये वह स्थान है जिथे गुरु नानक साहिब जी ने जल प्रगट किया। उस इलाके में जल नहीं सी, पोठोहार के इलाके बारे ही सुनया है, वह पोठोहार इलाका है। जदों गुरु नानक साहिब जी इला जोगियों को वापस करते तो उतों भी समय ने बेनती की सच्चे पातशाह इतने जल प्रगट करो। ये वास्ते असं अगलिया स्लाइडा में भी विचार करा। रणजीत नगारा इसकी एक होर महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि इस गुरुद्वारे के गुरु गोबिंद सिंह जी वेले जो मुख्य प्रबंधक होया करते सन वह माता साहब कौर जी के पिता जी सन।
उस गुरदा जी हालात इन्ने मंदे सन के बिल्डिंग ज्यों दी ज्यों 47 तो बाहर खड़ी है, एक दो बार इंटरवेंशन हुई है, बिल्डिंग टाउन की कोशिश भी हुई, फिर यह सोचा कि क्यों ना कोई लीगल एंटिटी बना के जिसनों के यूएस तो ऑपरेट किया जाए, जिसका यूएस हैड ऑफिस हो, जिसकिया परमिशन यूएस गवर्नमेंट को, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, फ्रेंचाइज टैक्स बोर्ड, हर तरह की परमिशन लैके ऑपरेट किया जाए। इसे ही अधीन इतने आ गए रंजीत नगारा नाम की ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, वह रंजीत नगारा जिहड़ा किसी समय गुरु गोबिंद सिंह जी ने बनाया सी, ते उस नूं लै के ही इस संस्था का स्थापन किया गया। परमिशन बिल तो बाद उतों की सरकार के नाल गलबात की गई, पाकिस्तान गवर्नमेंट गल की गई, इवैक्यू प्रॉपर्टी ट्रस्ट बोर्ड गल की गई, पी एस डी पी सी गल की गई, उन्होंने भरोसा दवाया कि जेकर यह संस्था बना के एक प्रॉपर तरीके यूएस तो ऑपरेट होगी तो वह पूरा सहयोग देंगे। उन्होंने दिता असी जनवरी के दसंबर 2019 इसकी स्थापना करनी शुरू की। जनवरी के जो पेपरवर्क कंप्लीट होया असी उतों की सरकार रिक्वेस्ट पाई, तो उस सरकार ने सानू तकरीबन 8 महीने की अपनी इनक्वायरी या प्रोसैस करके क्लीयरेंस दे के पहला गुरद्वारा चोहा साहब साढ़े हवाले कर दिता कि इसकी मुरम्मत की जा सकती है। अगली स्लाइड में आप देखोगे कि रंजीत नगारा की कर सकती है, की ऑर्गेनाइजेशन है, यह एक 501c3 ऑर्गेनाइजेशन है, यह किसी भी तरह के डिजास्टर महामारी किसी भी तरह की हेल्प कर सकती है, पर इस बनाने का मुख्य मंत्र केवल के केवल उन्होंने धामा जिन्होंने दस्ते नहीं आते खंडर बन रहे हैं या खंडर बन चुके हैं, उन्होंने मुड़ उस हालात सुरजीत करना है जिस हालात किसी समय महाराजा रणजीत सिंह जी ने बनाई थी। असं उ मिसाले यूज कर रहे हैं, अगलिया स्लाइडा में आप जी देखोगे। बेनती है कि इन्होंने वास्ते आप संतों के सहयोग की भी बहुत लोड़ है। जिहड़ियां करंट सेवावां साडियां उत्थे चल रही हैं, पहला गुरद्वारा चोहा साहिब जी, गुरद्वारा चोहा साहिब जी बारे आप जी दसा है, माता साहिब कौर जी के पिता जी भाई रामू बासी जी इस गुरद्वारे के मुख्य प्रबंधक होया करते सन। यह साढ़े उत्थे जाने पहला दी तस्वीरां हैं। दूसरा गुरद्वारा, यह गुरुद्वारा मिशन शहीदा शहीदी मिशन बारे अं सारे सुने, जो नवाब कपूर सिंह ने मिसलां बनाईया तो उन्होंने एक शहीदी मिशन बनाई गई, जिथे बाबा दीप सिंह जी 99 साल के मुखी सन, उत्थे नाल दी नाल मिशन शहीदा के भी जथेदार उन्होंने स्थापया गया। उन्होंने 5 मुख्य सहायक थापे गए, जिन्होंने बाबा करम सिंह जी एक सन। जो बाबा दीप सिंह जी की गुरुद्वारा टाला साहब लागे शहीदी हुई, उन्होंने गीठा भी है, अमृतसर बाबा दीप सिंह का बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, उस तो बाद बाबा करम सिंह जी मिशन शहीदा के दूसरे जथेदार बनाया गया। इस गुरुद्वारे के हालात बारे भी अगले स्लाइडा में चानना पावे। यह गुरुद्वारे जो देख रहे हो पहली तस्वीर जन्म स्थान माता साहब कौर जी है, यह खालसे की माता है, जिस खालसे का असं अज साजना दिवस मना रहे हैं, यह उस खालसे की माता है। इसका कमरा केवल एक 10x10 का कमरा है, जिसके बैठने की भी जगह नहीं, बाहर हाथ पैर धोन वाली टूटियां भी नहीं, सरकार वालों लिखी हुई जो परमिशन हैं इस कुछ तस्वीर या इस बारे अगले स्लाइडा फिर विचार करते हैं। दूसरा गुरद्वारा टिला जोगिया, जो गुरु नानक साहब जी गुरद्वारा चोहा साहब में आए, इस गुरद्वारे में आए, यह चौवे गुरद्वारे एको ही शहर के हैं, जेहलम शहर के। यह जो तस्वीर देख रहे हो यह तस्वीर गुरद्वारा चोहा साहब दी, जो अभी इतने गए तो यह पहाड़ी इलाका से, जेकर आप इस चीज से नजर मारो तो इतने तकरीबन 100 बंदे रह गए, रहायश भी बन चुकी है जी आदि तौर पर बनाई गई। यह रहायश इस तरीके बनाई गई कि जो भी अभी किसी होर गुरुद्वारे जावे तो इस छत्तां इस बाकी जो चीजा हैं वो ही दूसरे पर आने, दोबारा दोबारा खर्चा नहीं आएगा। इस जगह के उ कमरे की हाजना दिता गया, यह वह सरोवर है जिस तो अज भी किले के 3 पिंड जल छकते हैं। यह 2018 पाकिस्तान सरकार ने इस किले के किला रहवास तकरीबन 25 किलोमीटर का घेरा बनता है, इतने 126 खूह है, उन्होंने खूहों के ज्यादा जल प्रगट नहीं होया जो बहुत ही खारा है पीने योग नहीं, बट गुरु नानक साहब जी का यह जल का सरोवर जिहड़ा कि 1521 या 22 के गुरु नानक साहब ने प्रगट किया, उतों की संगत की बेनती से अज भी चल रहा है। जेकर आप इस जगह से झाती मारो तो यह वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट ने इतने मोटर लाई हुई है जो सरोवर के पानी को इन्होंने 3 पिंड तक पहुंचाती है, अज भी इतों ही पानी यूज होता है, अकालपुर की कृपा है, यह किसी चमत्कार तो बाद नहीं। हुण जे आप गल करिए जो महाराजा रणजीत सिंह ने यह गुरुद्वारा बनाया, इतने एक वाटरकाट हो रहा है, जो महाराजा रणजीत सिंह पेशावर वाल या अफगानिस्तान वाल कभी भी जंग जाया करता थी तो हमेशा ही इस किले के लागे रुकया करता सी, इस सरोवर के जल में ही जंग के वरत्या जाता सी।
और ए जी आप लाल की देख रहे हो, महाराजा रणजीत सिंह ने 192 कनाला जमीन गुरुद्वारे दे नाल लवाई। यह जमीन बिल्कुल इसकी कोई बॉर्डर नहीं हैगी। इस वक्त जे आप इस जगह ध्यान ला लो, यह गुरुद्वारा साहब है, यह सरोवर है, यह वाटर सप्लाई आ गया, यह रिहायश आ गई। बट यह जी सारी की सारी कटी हुई है पहाड़ी एरिए 192 कनाला। उतों के जो डिप्टी कमिश्नर राव पवेज अख्तर है, इस वक्त जिलों के डिप्टी कमिश्नर हैं, उन्होंने मदद के 192 के 92 कनाला सरकार ने गुरद्वारा चोहा साहब न किसी लैन देन तो बगैर किसी सारे कब्जिया उदा ही शिकायत कर गुरद्वारे के हवाले कर दी। इसलिए इस वक्त गुरुद्वारे की है तो गुरुद्वारे पूरे कंट्रोल है। हम अभी इस गुरुद्वारे की मुरम्मत किस तरह कर रहे हैं, इस गुरुद्वारे उस हिसाब से रीस्टोर किया जा रहा है जिस हिसाब से महाराजा रणजीत सिंह ने 1834। इस गुरुद्वारे की पहली सेवा महाराजा रणजीत सिंह जी के दादा जी ने की, सरदार चढ़ सिंह ने, उस तो बाद महासिंह ने, इसी संपूर्ण का महाराजा रणजीत सिंह ने कराई। इस सब तो पहला नंद शाही ब्रिज इंट्रोड्यूस की जाएगी। वह नंद शाही एक उ है जी उ लगी हुई है, उसके सैंपल है लबोरेटरी में टेस्ट किए गए। अगली स्लाइड देखा कंकर लाइन जिमें खंडर रोड होंगे या टोया डिग्या छोटे छोटे रोड ने सारे लेते हैं, उन्होंने भोर के एक चूना तैयार किया जाता है, उसको कंकर लाइन कहते हैं। यह वो चूना है। उस तो बाद एक क्रश करके लाल रंग दिता जाता है। बोरी की लस्सी यूज होती है, दाल मावा की दाल यूज होती है, गुड़ किकर की गूंद दुध दही समुद्र दिया सिपियां। ये सब एक वही मुश्किल है समुद्र दिया सिपियां वास्ते भी जो मसाले यूज होने जहां इन आंडे का छिड़का यूज होता है जहां सू कोई अल्टरनेटिव चाहिए। फिर उतों के सिक्योरिटी या रीस्टोर की हेल्प के साथ रीस्टोर अमरीका जेडे कि यूएई गवर्नमेंट के भी रीस्टोर हैं, उन्होंने 1300-1400 के 45 किले तकरीबन रीस्टोर किए हैं अरब साइड के उत्ते। उन्होंने हेल्प के नाल असं इस चीज़ में लगे कि इस चीज़ के उत्ते असं समुद्र दी सिप्पियां भी यूज की जाएंगी। समुद्र दी सिप्पियां भोर के उस मसाले में पाया जाना है। उस तो अगे जो पत्थर होंगे है उसको भोर के पाया जाना है नीले रंग वास्ते, नील का पाउडर जे उसमें अभी पीला रंग देना है तो वो हल्दी पैनी है। यह पक्की कली यूज होनी है जी 50-60 साल बड़ी आराम के नाम मिले। हम सू कि पता लगा कि यह मटीरियल असं यूज कर रहे हैं, ये वास्ते असी उतों की यूनीवर्सिटी ऑफ पेशावर जी पेशावर एक बहुत बड़ी यूनीवर्सिटी है रेस्टोरेशन की, उस मसाले को ड्रिल करके भेजा, उन्होंने उसे टेस्ट कराया। यह एक सैंपल रिपोर्ट है। इस मसाले में जो अभी तैयार कर रहे हैं 95% मैच कर रहा है। 5% की रीस्टोरेशन मसाले की कोई वही गिनती नहीं गई है। उसका रीजन है कि कितने लोड वध हो गए, कितने चूना वध हो गया, 5% सारे कहते हैं कि ओके है। सो एक मसाला पूरे रूप मैच कर चुका है, प्रॉपर तौर पर लैबोरेटरी में टेस्ट होया। जब यह गुरुद्वारा बनेगा, इस गुरुद्वारे ने कोई रंग नहीं किया, ना ही कुछ किसी होर द्वारा किया। यह गुरुद्वारे की शक्ल इस तरह की होगी जो महाराज रणजीत सिंह जी ने देखी। यह संपूर्णता के समय है। यह जो पालकी देख रहे हो बहुत ही खूबसूरत पालकी, उस टोए की है जितों के जल प्रगट होता है, 3 पिंड छकते हैं। हम अभी गल कर रहे हैं गुरुद्वारा मिशन शहीदा की। मिशन शहीदा का गुरुद्वारा जिम्मे कि आपको दसा है कि भाई करम सिंह जी जो कि दूसरी शहीदा मिशन के दूसरे जथेदार सन, उन्होंने गुरुद्वारा काफी समय तक यह गुरुद्वारा गुप्त रहा। यह CIA स्टाफ उतों की पुलिस के अधिकार के अधीन सी, पर जो असी पाकिस्तान गवर्नमेंट का संबंध किया, उतों के डिप्टी कमिश्नर ने जा उतरे जनरल ने मिस्टर आरावकार इन्ह सारे ने रल के उतों के जो डिप्टी पुलिस ऑफिसर ने जो CIA स्टाफ के सन, उन्होंने सहमति के नाल इस गुरद्वारे को खाली किया। तकरीबन 35-40 साल इस गुरद्वारे रहे। सानू इस चीज़ का यह फायदा होया कि जे कोई इसे अंदर सन का गुरद्वारा टैरिंग नहीं होया। सो हुण यह खड़ा है जिथे प्रकाश किया जाता है, यह खुई है जिथों जल लिया जाता है। इसका यह हालात ही सारे जानों पहला गुरुद्वारे के यह अंदर दीवान हाल है। जे असी उस गुरुद्वारे के बैकयार्ड में जाने हाँ जिम्मे पिछला पासा कहने जिम्मे असी आम गुरुद्वारे में जाके परांडे पाने हाँ, तो यह परांडे जो उस टाइम पर यह गुरुद्वारा एक होर अच्छी गल है कि 1944 में लास्ट टाइम से बनाया गया कि गोरिया द्वारा जो उतों के सिख जो उन्होंने ना रखे। इस ब्रिटिश आर्किटेक्ट भी बहुत मिलता है। यह बरांडा है, इस कमरे सन, यह दो मंजिला सी। यह बरांडा जो आप जी हम देख के आ रहे हो, इसके उपर है बिल्डिंग बिल्कुल ढह चुकी हो चुकी है। इस प्रॉपर मंजूरियां हैं, इस डिजाइन ऑलरेडी तैयार हो रहे हैं। यह गुरुद्वारे का जो हिस्सा है, इतने किसी टाइम के जेहलम दरिया हो गया करता है।
ਜੇਲਮ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੀ ਇਸਦਾ। ਇਹ ਐਸਾ ਛੱਪੜ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਥੋੜੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਵਲ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਗੋਡਾ ਇਹਦੀ ਗਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਨ ਜੀ ਬੀ ਰੋਡ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੀ ਬੀ ਰੋਡ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੇਲਮ ਦਰਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟੱਲਾ ਜੋਗੀਆਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਦਿਮਾਗ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਏ। ਜੇ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਦੀਵੇ ਦਾ ਨਾਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਇਹ 10 ਹਨ। ਇਹ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰੂਪ ਹਨ। 11ਵਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹਾਜ਼ਰਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ ਪੂਰਾ ਜਿਸ ਜੋ ਇਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਟੱਲਾ ਜੋਗੀਆਂ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 5-6 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੋਸ਼ਟ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਇਹ ਟੱਲਾ ਜੋਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਟੱਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੰਗ ਇੱਕ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਟੇਜੋਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਡਾ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ 9 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਗਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਗੋਸ਼ਟ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂ ਜੋਗੀ ਕਿਸੇ ਆਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਜਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 9 ਲੱਖ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ ਆਹ ਸਾਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਅੱਜ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ ਜੋ ਸਵੈ ਚਰਾਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਟੋਟਲ 5 ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਉੱਥੇ। ਖੁਸ਼ ਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ 5 ਸਰੋਵਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਸਰੋਵਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਇੱਕ ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰੋਵਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੀ ਬਣਵਾਏ ਸਨ। ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਇਹ ਗੁੰਬਦ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਜ ਵੀ ਲਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਕੇ ਜੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਗੁੰਬਦ ਜਿੰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਏਡਾ ਕੁ ਘਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਹਨ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਲੈਟਰ ਹੈ ਦੇ ਕੇ ਇਹਦੇ US ਐਮਬੈਸੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਐਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ US ਦਾ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਬੋਲਾ ਹੋਣੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਹੀ ਲਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ ਚਾਬੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਖੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਧੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਵਹਾਅ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੈਪ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਾਈ, ਇਮੇਜ ਮੰਗਾਈਆਂ, ਰੀਸਟੋਰ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇਹ 24 ਘਰ ਬਣਦੇ ਹਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਆਲੀ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਆਲੀ ਦਾ ਗੁੰਬਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਓ ਭਵੇਸ਼ ਅਖਤਰ ਨੇ ਤੇ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੇ ETBB ਤੇ PSGB ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 5 ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਘਰ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਅਗਲੇ ਇਹ ਅਗਲੇ 10-15 ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ 5 ਘਰਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਾ ਫੇਜ਼ ਆਏਗਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗਾਂ 12 ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਥਾਨ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ 24 ਘਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪ ਉਹਨੇ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਅਸਲੀ ਅਗਲੀ ਸਾਕੀ ਤੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ ਦਈਏ। ਹੁਣ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ
किसी भी असं देसी तरीके नहीं बनाई, प्रॉपर तौर पर गवर्नमेंट परमिशन लिया हाँ। किसी को कोई क्वेश्चन हो बाहर टेबल आया है बैठे हुए हैं, यूएस गवर्नमेंट इनवॉल्व है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस कैलीफोर्निया इनवॉल्व है, पाकिस्तान के यूएस एम्बेसी भी इनवॉल्व है, इतों तक साढ़े जो रीजनल गवर्नमेंट ऑफ यूए के रीजनल मरीन प्लान वो भी इनवॉल्व हैं। कली कली चीज़ में कली कली चीज़ें सीमेंट या कोई एक सूत्र भी उसे प्लस्तर या कुछ भी होना है तो वह इतों अपरूवल जाके फिर होंगे है, उसे किसी कोई अधिकार नहीं कि उसे कोई एक भी आए, बाकी सानू उतों की संगत का सहयोग मिल रहा है। अकाल पुरख ने कृपा की है इन्होंने गुरुओं की सेवाओं छेती ही संपूर्ण कर दिया जाएगा, सिर्फ आप संगतों के सहयोग की जोड़ है, आप किसका सहयोग कर सकते हो इस सारा हिस्सा है क्योंकि हर काम संगत के सहयोग ना ही होना है। असं उतों की सरकार इतों तक कि असं मेमोरेंडम भी साइन कर जा रहे हैं, सारा मेमोरेंडम जेल जेल की गवर्नमेंट के नाल इन्हों चौं गुरुद्वारे का छेती ही साइन हो रहा है, जिदे उतों के जो ग्रंथी ढाडी या रागी जो भी होंगे उन्हों का प्रबंध उतों ही मैनेजमेंट के अंडर होगा, पर उन्हों की तनखावान जिड़े भी गुरुद्वारे बाहर की संगत के सीधे बहाल होंगे, बाहर दिन संगत ही उन्होंने सैलरी प्रोवाइड डायरैक्टली कर उन्होंने अकाउंटा के किसी डिपार्टमेंट या किसी बंदे नहीं जानगियां, ये प्रॉपर तौर पर पूरी वायर की जाती है। सो आप संगत बेनती है किसी भी क्वेश्चन या मन कोई भी क्वेश्चन होगा सानू बाहर आके मिल सकते हो, असं इतने डोनेशन भी इकट्ठी कर रहे हैं ता कि इन्होंने गुरुद्वारे छेती तो छेती कंप्लीट किया जा सके। इन्हें बेनती करता है समा का जा चुका, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद है भाई साहब भाई सतप्रीत सिंह जी का जिन्होंने वो गुरधामों के दर्शन कराए आ जिन्हों आप कभी देखा भी नहीं, पाकिस्तान के अंदर जिते साड़ी घट गिणती है उत्थे काम करना गुरधामों लिए किन्ना औखा है ये वीर चंगी तरह जानते हैं। इन्हों के नाल गाहे बगाहे गल् होंगे रहा गुरधामों के बारे तो वीर दसते हैं कि उतों के लोग जो हैं वह किसी भी जगह को छड़न वास्ते तैयार नहीं, पर जिमें इन्होंने दसिया कि इन्होंने बड़े पढ़े लिखे सौंझे हुए तरीके के नाल उतों की गौरमेंट के नाल राबता कायम करके उतों की गौरमेंट को अपने नाल रला के फिर इन्होंने वो सारा गुरधामों की जो सेवा संभाल का काम है शुरू किया। गुरु ग्रंथ साहब महाराज के चरणों के अरदास है इन्होंने वीर वास्ते कि इन्होंने परमात्मा चढ़ती कला बख्शे तो अपने घर की इसे तरह सेवा इन्हों तो लै लवे जिन्हें इन्होंने बेनती की सी कि खालसा की माता का घर हो खालसे की माता का कि वह घर की हालत यहोजी हो सानू सारे यत्न करना चाहिए। इन्होंने बाद स्टाल लाया होया है इन्हों का वो तो वह सहयोग दौ असी गुरद्वारा साहब की पूरी पूर्ण मैनेजमेंट वालों इन्हों का तह दिलों धन्यवाद करते हैं, इन्हों का वादा करते हाँ कि इन्होंने असी रोडे मोटा जोड़ के खड़े हाँ, जिते साड़ी हेल्प की लोड़ होगी असी इन्हों के नाल चलेंगे। फिर एक बार सारे वीर का बहुत बहुत धन्यवाद है। हम साडे बहुत ही सत्कारयोग अंकल जी अंकल निर्मल सिंह जी दिहाड़ा जिन्होंने इस स्टेज की तकरीबन 14 साल सेवा की है साढ़े बजुर्ग आ असी उन्होंने सिक्ख्या लैके अगह आह सेवा ताली कर रहे हैं। मैं उन्होंने बेनती करदा कि वह संगतों के बच्चे खड़े हो के अपने वालों खालसा साधना देखिए बधाइया देन संगतों के नाल अपने विचार सांझे कर योजे बजुर्ग बड़े कीमती हीरे होंगे आ कौम के इन्होंने को बड़ी सिक्ख्या लड़ी होंगी है जिमें भाई सुरिंदर सिंह जी पहला बोले आम ने सुनिया उन्होंने देखा आ रेडियो से भी बोलते हैं अंकल जी 14 साल इतने सेवा की है असं इन्हों का तह दिलों धन्यवाद करते हैं।